पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से लोगों के जहनों में अफवाहें हैं, और लेकिन दर हकीकत कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत से लोगों को मुतासर कर चुकी है। बहुत से लोगों की अमवाद हुई, बहुत से लोग अस्पताल में दाखिल भी है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सूबे सिंध के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर गुज़र तमाम जमातों के जिम्मेदारान को बुलाकर एक अहम इजलास मीटिंग की गई, जिसमें आज लॉकडाउन करने का ऐलान किया। लिहाजा आप देख सकते हैं लोग गलियों में किस तरह बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं, जमघट्टा लगाए हुए, जैसे कि कोई ईद का समय है। लोग आपको कोई भी फिक्र नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता ये जो पसमानदा इलाका है, गरीब इलाकों में अगर ये फैल गया, तो ये मैं समझता हूँ कई घंटे नहीं लगेंगे, कई मिनट के अंदर हज़ारों लोगों तक मुंतकिल हो जाएंगे। लिहाजा खुदा के वास्ते ये कुछ भी नहीं कर रहे। मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि इस तरह का जो लोग इनकी फोटिश में जो लोग नज़र आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा ये इलाका कोरंगी थाना जमान टोन थाना इब्राहिम हैदरी थाना कोरंगी के इलाके हैं, लेकिन ये बच्चे भी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने जब ये अपना सर्वे किए, यहाँ पर लोग कुछ लोग ताश खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग गप्पे लगा रहे हैं, जैसे कि इनका कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। खुदा के वास्ते इनको ऊपर रहम करे, हमारे पाकिस्तान को ऊपर रहम करे। ये लोग जो इस तरह कर रहे, ये अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करते, अपने बच्चों से भी मोहब्बत नहीं करते, अपने पाकिस्तान से भी मोहब्बत नहीं करते। मैं पाकिस्तानी आवाम, ख़ास तौर से सूबे सिंध के आवाम, कराची के आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने आप पर रहम करें, अपने औलाद पर, अपने मोहल्ले पर, अपने हुक्मरानों पर, अपने पाकिस्तान पर रहम करें। ऐसा ना हो कि हम देखते रह जाए। कुछ लोग तो इसको मजाक उड़ा रहे, कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ है, कोई किसी को क्या पता। मैं फिर भी एक अपील करता हूँ, सुबह से शाम तक सूरतुल फातिहा को 3 दफ़ा, सूरतुल इखलास 3 दफ़ा, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 333 दफ़ा रोज़ाना भी पढ़े, और अपने चेहरे पे मास्क लगाए, और घर पे आने के बाद साबुन से अच्छी तरह वॉश करें 20 सेकंड तक। ये अगर करते रहेंगे ये अमल, तदाबीर भी करते रहे और अपने घर पे भी महफूज रहे, 15 दिन तक जो भी हुकूमत वक्त ने जो भी ऐलान किया उस पर अमल करना हम सब पर फर्ज ऐन है। कोरंगी डायनामाइट चुनौत के सामने का एरिया से हम गुजर रहे हैं, इनके जो सामने जो दुकानें बंद हैं, और इसके सामने मेरे सीधे हाथ में जो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का ऑफिस भी है, ये मार्केट तो बंद है, लेकिन देखो ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, और ये इस तरह के कुछ लोग हमें तो ऐसा भी देखने में मिल रहे हैं, बच्चों के वालिद साहब 3-4 बच्चों को मोटरसाइकिल में बिठा कर घूम रहे, फूल रूप से चढ़ते हुए पार्क के दीदार करवा रहे, जैसे कि ये कोई तफरी है आज, बिल्कुल कोई स्टे है, कोई छुट्टी का दिन है, जैसे कि सबको घुमा रहे। खुदा के वास्ते भाई, इनका कहने का मकसद है, लोग आप घरों में रहने के लिए आपको लॉकडाउन का ऐलान किया गया, 144 लागू होने के बावजूद लोग खौफजदा नहीं है, लोग डर नहीं रहे। कानून को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, कानून के जो इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी है, जो वज़ीर आला सिंध कमिश्नर कराची ने जो बात कही थी, उन्होंने धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जब हमने बताया कि आप घर चले जाए, उल्टा मजाक कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है, कौन सा लादानियत यहाँ पर है? खुदा के वास्ते इन पर सख्ती कीजिए, और जो बच्चे जो लोग हैं इनको गिरफ्तार कीजिए, इन पर जो भी सजाए हैं सेक्शन है जो लगाया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो कल को ऐसा ये ना हो कि पूरा पाकिस्तान कोरोना के लिपट में आ जाए। मानसरोवर में कुछ हम ऐसे इलाके में भी गए जो कि जवान टोन गुलशन हाली है, जहाँ पर जमात इस्लामी का होल्ड है, जहाँ वो तैयबा मस्जिद भी पर भी गए। वहाँ पर लोग माशाल्लाह से लोग घरों पर महफूज हैं, बिल्कुल वहाँ का सन्नाटा है, देखो मस्जिद है, लेकिन उसका ये कोरोना का वायरस का बैनर भी लगाए हुए हैं तदाबीर के लिए। ये इन्होंने बिल्कुल रिफंड का भी बैनर नज़र दिखा सकते हैं खिदमत की जानिब से। ये जो जमान टोन का इलाका है, देखो बिल्कुल सन्नाटा, कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरे इलाके में लोग बिल्कुल नज़र आ रहे, लोग घरों में
बाहर बैठे हुए टेबलों में बैठे हुए इस तरह के नजर आ रहे हैं। नाजरीन बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, ये अलजमान टोन के रोड से गुजर रहे हैं, बिल्कुल जहाँ कोरेंगे चार की तरफ हम जा रवा दवा है। अभी कोरेंगे चार में भी जब जाएंगे वहाँ पर हमें बिल्कुल टू कोरेंगे चार के ऊपर जो ना किताब घर जो मार्केट है ये कल्लू चौक से हम गुजर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल जहाँ जहाँ पे जाएंगे अभी तो यहाँ पर भी मार्केटें बंद हैं, दुकानें भी यहाँ पर बंद हैं, और यहाँ पर जो ना पुलिस की मोबाइल भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पर जो गश्त करते हुए, रेंजर्स के दस्ते भी हमें नज़र आए जो गश्त करते हुए, तो फौज भी नज़र आए बहुत सी जगह पर। तो ये इस तरह भी अगर देखो पुलिस वहाँ से आती है यहाँ से उनको भगाती है भाग जाती है दोबारा वो लोग आ जाते हैं, ऐसे कर पुलिस के साथ आवाम आग मछूली खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अफसोस की बात है क्योंकि ये कब तक ये चिड़ियाघर भी सन्नाटा है, यहाँ पर कोई लोग नज़र नहीं आ रहे। अभी ये देखो पार्क के पास से हम गुजरे कोरेंगी पार्क की तरफ से, यहाँ पर भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, कोई बच्चे नहीं है। लेकिन जो इलाके के अंदर हमें बिल्कुल लोग नजर आ, ये ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी खड़ी है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कोरेंगी पाँच पार्क के साथ ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ काफ़ी देर, ये हम पुल के ऊपर है बिल्कुल रोड में सन्नाटा है, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा, लोग से लोगों रोड पर ट्रैफिक ना होने के बिल्कुल बराबर है। नंबर ब्रिज के ऊपर नाज़रीन आप देख सकते हैं कराची के पूरी दुनिया के अंदर एक वबा मची हुई है कोरोना वायरस के नाम से, पूरी दुनिया के अंदर इटली के अंदर आप देख सकते हैं, ईरान के अंदर आप देख सकते हैं जो मामला वहाँ चल रहा है, कितने लोगों की अमवात हुई है। इसी तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन दो दिन पहले कल एक ऐलान उन्होंने तमाम सियासी पार्टी से मशवरात के साथ एक कराची के अंदर क्रैक डाउन का ऐलान किया। कई मेन रोडों के ऊपर जो है दुकानें बिल्कुल बंद है, सुनसान इलाका, लेकिन गलियों के अंदर लोगों को देख लड़कों को बच्चों को लोगों माँ बाप ने रोडों पर छोड़ा हुआ है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं तफरी कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला अगर दरपेश होता है तो ये पूरी पाकिस्तान के अंदर मामला बढ़ेगा। ये हमारे लिए सेफ्टी नहीं है, हमारी प्यारों की सेफ्टी है। अगर हम घरों में रहेंगे अपने आप को सेफ करेंगे, हम खुद भी सेफ रहेंगे, अपने प्यारों को भी सेफ करेंगे, अपने पाकिस्तान को भी हम सेफ कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल अपने तमाम एक्टिविटी रेडियो के अंदर आपने देखा, पुलिस को सिंध गवर्नमेंट को पुलिस रेंजर्स को भी आपने देखा रोडों पर एक्टिविटी करते हुए दुकानें बंद कराते हुए, लेकिन क्या करें उनकी जाने की बात जो है दोबारा लोग अपनी कामों में मसरूफ अमल हो जाते हैं, कोई भी जो है सिंसियर तरीके से इस मामला को ले नहीं रहा है। हम लोगों ने कोरोना वायरस जैसी मुख्तलिफ बीमारी को मजाक बनाकर रख दी है। मेरी तमाम जो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को प्लीज़ रोके, घर के अंदर सेफ करें, हुकूमत की से जारी करता जितनी भी तदाबीर है उस पर अमल करें, इससे हमारी भी सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है और पाकिस्तान की भी सेफ्टी है। कैमरामैन खान के साथ हनी हुसैन, एसआई न्यूज़।